नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। नौकरशाही में प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले सीनियर अधिकारियों के लिए रास्ता खोलने वाले केंद्र सरकार के फैसले पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता और पूर्व आईएएस रहे पीएल पुनिया ने बीजेपी सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, इसके जरिए मोदी सरकार का मकसद बीजेपी और संघ से जुड़े लोगों को पीछे के रास्ते बड़ी पोस्ट पर बिठाना है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह मनुवादी सरकार यूपीएससी को दरकिनार कर बिना परीक्षा के नीतिगत व संयुक्त सचिव के महत्वपूर्ण पदों पर मनपसंद व्यक्तियों को कैसे नियुक्त कर सकती है। ये संविधान और आरक्षण का घोर उल्लंघन है। कल को ये बिना चुनाव के प्रधानमंत्री और कैबिनेट भी बना लेंगे। इन्होंने संविधान का मजाक बनाकर रख दिया है। अब बड़ा सवाल उठता है, क्या पीएम मोदी ब्यूरोक्रेसी को कॉर्पोरेट घराने की ओर मोड़ना चाहते हैं? अधिकारी बनने के लिए अब यूपीएससी की परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने नौकरशाही में एंट्री के लिए अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है। अब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले अनुभवी व्यक्ति भी सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। लेटरल एंट्री के जरिए सरकार ने इस योजना का नया रूप दिया है, जिसके बाद अब विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए एक रिपोर्ट। नौकरशाही में प्रवेश के लिए अवसर, पीएम मोदी ने किए नौकरशाही के लिए बदलाव। यूपीएससी के बिना बन सकते हैं नौकरशाह। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले तेज तर्रार लोगों के लिए अवसर, सरकार ने लेटरल एंट्री की अधिसूचना जारी की। 10 विभागों में जॉइंट सेक्रेटरी के आवेदन मंगाए, 30 जुलाई तक अंतिम आवेदन देने की तारीख। नियुक्त होने वाले जॉइंट सेक्रेटरीज का कार्यकाल 3 से 5 साल तक का। देश की मोदी सरकार अब प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले तेज तर्रार अनुभवी लोगों को ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनाने जा रही है, जिसके लिए अब यूपीएससी पास होने की जरूरत नहीं। बहुप्रतीक्षित लेटरल एंट्री की औपचारिक अधिसूचना सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के लिए विस्तार से गाइडलाइंस के साथ अधिसूचना जारी की गई है। सरकार अब इसके लिए सर्विस रूल में जरूरी बदलाव भी करेगी। मालूम हो कि पीएम नरेंद्र मोदी ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री के शुरू से हिमायती रहे हैं। 10 पदों के लेटरल एंट्री से जुड़ी अधिसूचना पर पीएम ने कहा कि इससे उपलब्ध स्रोतों में से सर्वश्रेष्ठ को चुनने का मौका मिलेगा। इस पद के लिए 3 साल का होगा टर्म और अगर अच्छा प्रदर्शन हुआ तो 5 साल तक के लिए इनकी नियुक्ति की जा सकती है। इन पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम उम्र की सीमा तय नहीं की गई, जबकि न्यूनतम उम्र 40 साल है। इनका वेतन केंद्र सरकार के अंतर्गत जॉइंट सेक्रेटरी वाला होगा। सारी सुविधा उसी अनुरूप ही मिलेगी। मालूम हो कि किसी मंत्रालय या विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी का पद काफी अहम होता है और तमाम बड़े नीतियों को अंतिम रूप देने में या उसके अमल में इनका अहम योगदान होता है। सूत्रों के अनुसार ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस प्रस्ताव पर विरोध और आशंका दोनों रही हैं, जिस कारण इसे लागू करने में इतनी देरी हुई। अंततः पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद मूल प्रस्ताव में आंशिक बदलाव कर इसे लागू कर दिया गया। वहीं सीनियर ब्यूरोक्रेसी के विरोध के कारण अभी जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर ही इसकी पहल की गई है। सरकार का मानना है कि लेटरल एंट्री आईएएस अधिकारियों की कमी को पूरा करने का भी प्रभावी जरिया बनेगा। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। और फिलहाल हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, गुरतेज सिंह, ऑथर एंड पूर्व आईएएस हैं ये। गुरतेज जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। गुरतेज जी, मोदी सरकार ने अब नौकरशाही में प्रवेश के लिए एक बड़ा बदलाव किया है, कितना सही है ये बदलाव? दिखाई दे रहा है कि जब से ये सरकार बनी है, ये सेंट्रलाइजेशन करने के ऊपर और अपने हाथ में सारी पावर्स लेने के ऊपर थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जी। ये लोग चाहते हैं कि जैसे आप उसके बारे में
तो हमारी सीबीसी वगैरह इंस्टीट्यूशन हैं उनको नाम सुनिएगा। ऐसे ही सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट को हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, यूपीएससी के लाई गए पुलिस को जी बिल्कुल। और फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर रामसागर जुड़े हैं, बीजेपी से नेता हैं ये। डॉक्टर रामसागर आपका स्वागत है। जी नमस्ते। डॉक्टर रामसागर, मोदी सरकार ने नौकरशाही में प्रवेश के लिए अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बदलाव के बाद से ही मोदी सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अब विपक्ष को तो अब निशाने पर लेने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब उनके द्वारा ही जो कमेटी बनाई गई थी उसी के रिपोर्ट के आधार पर ये काम हुआ है। जी बिल्कुल, वीरप्पा मोइली जी के समय जो कमेटी बनी थी उसका जो रिकमेंडेशन था तो ये 2005 से ही उस रिकमेंडेशन को नहीं लागू कर पाए। जी, और उस रिकमेंडेशन का देश को जरूरत है क्योंकि आज आप देखती होंगी मैडम कि बहुत सारे जगहों पर फंड रिफंड हो रहे हैं, पैसा स्टेट में जाता है और रिफंड हो जाता है। तो अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पे हम वैसे लोगों को जो एक्सपर्ट हो जिससे काम और आसान हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, हर एक देश में इस तरह की व्यवस्था है, यहां भी उसको लागू करना चाहिए। जी, इससे तो आम जनता को फायदा होगा। इन्हें पता नहीं क्यों उसमें राजनीति नजर आती है, काम इनका किया हुआ। ये लग रहे हैं डॉक्टर रामसागर, आरोप ये लग रहे हैं कि सरकार बीजेपी और संघ के लोगों को अब बैकडोर से ब्यूरोक्रेसी के जितने भी बंदे हैं उनके बीच में लाना चाहती है। अब 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 इसमें आरएसएस कहां से आ गया, बीजेपी कहां से आ गया, उसमें तो जो उसके एक्सपर्ट होंगे वो लोग आएंगे ना कि नेता उसमें जाएंगे, नेता तो उसमें जाना नहीं है। अगर अगर वो पढ़े होंगे एडवर्टीजमेंट तो उनको पता होना चाहिए कि नेता कोई क्राइटेरिया नहीं है। जी, अब हमारे आप पीछे भी देखे होंगे कि इस तरह की व्यवस्था हो तो होते रही है। आप देखे होंगे जब जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री उस समय भी आरबी शाही जी को बनाया गया था सेक्रेटरी एनर्जी का। जी डॉक्टर रामसागर, इस ओर से तो 2005 से ही कदम उठा दिया गया था और अब मोदी सरकार के आने के बाद इस ओर गंभीर पहल की गई थी, ये तो सारी जानकारी हम सब जानते हैं। फिलहाल हमारे साथ अजय वर्मा जी जुड़े हुए हैं, नेता हैं ये कांग्रेस से। अजय जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अजय जी, क्या पीएम मोदी ब्यूरोक्रेसी को अब कॉर्पोरेट घराने की ओर मोड़ना चाहते हैं, जिस तरीके से अब एक बड़ा बदलाव किया गया है नौकरशाही में प्रवेश के लिए? देखिए मैडम, सबसे पहले तो इस सरकार को आरएसएस अपने रिमोट कंट्रोल से चला रही है, पूरा देश जानता है। या तो मोहन भागवत चला रहे हैं या अमित शाह या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तीन लोग चला रहे हैं। दूसरी बात, आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन जी ने जीएसटी का स्लैब भी 5-12% के बीच रखा था, वो भी हमारी योजना थी, आधार भी हमारी योजना थी, हमारी सारी योजना, ये नमो गंगे भी हमारी योजना थी, ऐसा नहीं, मनरेगा भी हमारी योजना थी। हमारी सारी योजनाओं को तोड़फोड़ करते हुए, खंडित करते हुए अपने तरीके से पेट्रोल अपने तरीके से उसको लागू हिंदुस्तान की जनता के हितों के खिलाफ 28% के स्लैब पे आप जीएसटी ले गए। जब मनरेगा को विखंडन कर दिया गया, आधार को इस तरह से कि लोगों की सीक्रेसी जो है लीक होने लगी, लोगों को खतरा होने लगा, पैसा उनका बैंकों से जाने लगा, ऐसे ही इस तरीके से बड़े घराने के लोगों को जो कहा गया है कि वो जो ठीक है जब मनमोहन सिंह जी के टाइम की रिपोर्ट थी, लेकिन जिन लोगों को केवल 15 और 10 ऐसे परिवार है हिंदुस्तान के, उन लोगों को ब्यूरोक्रेट्स में एंट्री देकर आरएसएस से कनेक्टेड और बीजेपी से कनेक्टेड, 4 साल से कहां सो रही थी सरकार, 2014 से लेकर आज तक 18 तक क्यों नहीं किया? क्योंकि मोदी जी इस वक्त चुनावी मोड में आ चुके हैं, नॉट इन जनरल मोड, चुनावी मोड में आ चुके हैं हिंदुस्तान में। अब वो इस तरह के लुभावने नारे, लुभावनी योजनाएं, 2 करोड़ रोजगार कहां चले गए, युवा ठग गया, काला धन क्यों नहीं आया आज तक, दूसरा जनता को आज तक व्यापार खत्म हो चुका है, व्यापारी डूब रहा है, टैक्स का स्लैब कवियों पर और शायरों पर भी टैक्स लगा दिया गया है। तो ये तानाशाही का दौर चल रहा है, उसी के तहत ये कदम उठाते हुए ब्यूरोक्रेट्स में, आप एक चीज सोचिए, जो आदमी जिसको करोड़ों रुपए की तनख्वाह मिलती हो
करोड़ों रुपए छोड़ के वो कितने लाख रुपए मोदी जी उसको ब्यूरोक्रेट्स मिला के दे देंगे? क्या राष्ट्रपति से ज्यादा पद दे देंगे, बनकर दे देंगे? और दे भी देंगे तो उससे उनका भला क्या होगा? तो ये सिवाय इसके कि एक चुनावी स्टंट जनता को और उन ब्यूरोक्रेट्स को जो सही मायनों में इस सरकार को चुनाव लड़ाने के लिए चंदा देते हैं डोर से और बैठ। अजय जी, भले ही ये उनका चुनावी स्टंट हो, लेकिन आप क्या ताल्लुक रखते हैं? मेरा मतलब है कि क्या आप सहमत है उन्होंने जो ये कदम उठाया है, भले ही देर से उठाया हो? भाई आप तो देखिए, अगर हमारी सहमति और असहमति की कोई बात हो तो हमको विपक्ष को सबसे पहले विश्वास में लिया जाए, पूछा जाए। चाइना के मुद्दे पे नहीं पूछते, पाकिस्तान के मुद्दे पे नहीं पूछते, अमेरिका के मुद्दे पे नहीं पूछते, काले धन पे नहीं पूछते। तो विपक्ष को तो इन्होंने फुटबॉल समझ रखा है, जब चाहे जहां चाहे यूज कर लीजिए। तो विपक्ष का मानो कहना और ना कहना इनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। करनी इनको अपनी मनमानी है, करनी आरएसएस की मनमानी है, और वही ये चाहते हैं, जो ये चाहते हैं वही करते हैं। लेकिन जनता ये समझ चुकी है, व्यापारी परेशान है, नवयुवक परेशान है, महिला सुरक्षा की वजह से परेशान है, बॉर्डर पे सिविलियन मर रहा है, आर्मी के ऑफिसर मर रहे हैं, और ये अब विदेश घूम रहे हैं, मोदी जी विदेश घूम रहे हैं। तो जी, अगर आपसे पूछा जाता या कांग्रेस से पूछा जाता, कांग्रेस के आला कमान से इस बारे में बातचीत की जाती, तो क्या आप मना करते? क्योंकि आपके कार्यकाल का ही ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसे ही आगे बढ़ाया गया है, तो इसमें गलत क्या है? मैडम, हम गलत और सही की तो परिभाषित ही नहीं कर रहे। गलत और सही को तो परिभाषित मोदी जी कर रहे हैं, गलत और सही को परिभाषित तो सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार इनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी की है। हमारे पास तो बैसाखियों की सरकार थी 10 साल से। हम तो अगर कोई चीज पास करने जाते थे तो यही सारे लोग पेट्रोल डीजल को आप मुद्दा नहीं बना के उठा रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर यही सारे लोग, चाहे राजनाथ सिंह हो, स्मृति ईरानी जी हो, मोदी जी हो, अरुण जेटली जी हो, सड़कों पर उतर आए थे कि बदल देंगे, देश बदल देंगे, बर्बाद हो जाएगा, सिर कटा लेंगे। ऐसे ही जब आर्मी का मुद्दा था, 10 सिर एक के बदले लेके आएंगे, आर्मी का मुद्दा था, एक के बदले 10 सिर हम। तो आखिर ये सारी चीजें हम 2 मिनट में मोदी जी की एड आ रही है, पैसा कहां से आ रहा है? हर दो मिनट में। जरा इनसे पूछ लीजिए, इनके प्रवक्ता बैठे हैं, इनके नेता बैठे हैं। जी बिल्कुल अजय जी, डॉक्टर राम सागर जी से हम पूरी बातों का जवाब लेंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ एक मेहमान जुड़ा है, रामनारायण यादव, संसदीय विशेषज्ञ हैं ये। रामनारायण जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, जिस तरीके का बदलाव अब मोदी सरकार ने किया है नौकरशाही में प्रवेश के लिए, क्या इस कदम से वाकई कुछ फायदे होंगे? अगर हम लॉजिकली बात करें, सारी चीजों को छोड़कर, हम वाकई में अगर जानना चाहें तो क्या वाकई इस कदम से कोई फायदा होगा? सर्विस मैटर्स के बारे में सर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो सर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी सर, जिस तरीके से मोदी सरकार ने नौकरशाही में प्रवेश पाने का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, 10 ऐसे लोगों को चुना गया है, क्या इससे वाकई कुछ फायदा होगा? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। तो रामनारायण जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो रामनारायण जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? रामनारायण जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर राम सागर, मैं आपसे उन सभी सवालों के जवाब चाहूंगी जो अजय जी ने इस समय पूछे थे। अजय जी ने तो जो विषय है उस विषय को पर तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। जी, बाकी विषयों का मैं जवाब उनका दे देना चाहता हूँ। उन्होंने बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने की बात किया। मेरी पार्टी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, और हमने 12 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा योजना के तहत काम दिया है। तो 12 करोड़ लोग ही नहीं, बल्कि एक दुकान में कम से कम 2 चाहिए। तो वायदा मेरा था 5 × 10 करोड़ देने का, और हमने 4 साल के अंदर ही 12 × 24 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दिया है। ये उनका जवाब है बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का। जो वो काला धन की बात करते थे, आज कांग्रेस इसलिए बिल बना रही है कि काले धन पर ही कार्रवाई हुई है। पहला कैबिनेट की जो
उस कैबिनेट में 15,000 किसके अकाउंट में आए, 15 लाख मेरे अकाउंट में तो आए नहीं। राम सागर जी आपके में आ गए हो तो बता दीजिए। आप अजय जी एक बार जान लो, आपके जो नस पर पड़ा है वो हमने पहला ही कैबिनेट में मोदी जी ने काले धन पर ही कार्रवाई का किया है। और सात देशों में जो आप पैसा छिपाते थे, आप पैसा जो छिपाते थे, काला धन ले जाते थे, उसको हमने रोक रखा और नोटबंदी करके आपके काले धन को हमने समाप्त किया है। सागर जी एक एक करके आप अपनी बात रखिए। अब अजय जी से को चुप रहने के लिए कहिए, मैं एक एक चीज का जवाब दे रहा हूँ। पहला कैबिनेट में ही काले धन पर ही अटैक किया गया था और 7 कंट्री जहां से काले धन का रूट था उस वहां पर ऑफिस खोला गया और काला धन जो विदेशों में जा रहा था उसको हमारी सरकार ने रोकने का काम किया। अब जब देश के अंदर काला धन छिपा हुआ था उसको हमने नोटबंदी के द्वारा उस काले धन को ध्वस्त किए, इसीलिए इन लोगों का पैसा ही काला धन में जनरेट किया हुआ था। चूंकि 12 करोड़ रुपए का घोटाला इन लोगों ने कर रखा था, कांग्रेसी यूपीए की सरकार 12 लाख करोड़ रुपया का घोटाला किए थे। अजय जी हमारी चर्चा किसी और ही तरफ मुड़ रही है। आप लोग देश के साथ जो गद्दारी किए उस गद्दारी का सजा ये आम जनता दी है कि आपको विपक्ष के लायक भी नहीं समझी, 44 पर आके लटका दिया, 10% सीट भी देश की जनता ने आपको नहीं दिया, इसलिए विपक्ष का मान्यता भी आपकी पार्टी को नहीं मिला। अजय जी विपक्ष के लायक भी आपकी पार्टी को नहीं समझा। आपका करप्शन ही जड़ को दबाएगा, इसका मतलब भी दाल के पीछे ताला है या सारी दाल ही काली है। अभी भी करप्शन के चार्जेज में, अभी भी करप्शन के चार्जेज में आपके सोनिया जी और राहुल जी बेल पर हैं, करप्शन के चार्जेज में बेल पर हैं। डॉक्टर सागर और अजय जी आप दोनों के पास मैं एक बार फिर से आती हूँ, आप दोनों थोड़ा देर शांत हो जाइए। हमारे साथ गुरतेज जी भी जुड़े हैं, पूर्व आईएएस हैं ये। गुरतेज जी आप खुद एक पूर्व आईएएस रह चुके हैं और आपके ही जैसे पूर्व एक आईएएस हैं पीएल पूनिया, उन्होंने तो सरकार की मंशा तक पर सवाल उठा दिया है और सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है, क्या कहेंगे? देखिए यही करना बनता है क्योंकि मेरे ख्याल से तो ये प्लूटोक्रेसी हिंदुस्तान में ला रहे हैं। अमीर लोगों की सरकार होगी और अपर कास्ट की सरकार होगी। अगर देखें कि कंट्रोल करने वाले सारे आरएसएस वाले होंगे जो कि ब्राह्मणों की जमात है तो क्या नतीजा निकलेगा? ये 2-4 साल बाद अगर इनको मौका मिला 2-4 साल में ये लोग मनुस्मृति को दोबारा लागू कर देंगे। अब देखिए हमारे कितना कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, कितने लोगों को लिंचिंग हो रही है। कल भी असम में जो हुआ, बॉम्बे में बार बार आप देख रहे हैं, लेकिन अखबार तक उसमें रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ खबरें नहीं आ रही, टीवी वगैरह को कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये तो बहुत बुरा है मुल्क के लिए। और अगर ये सिविल सर्विसेज को इस तरह से कंट्रोल करेंगे कि वो बोलने के काबिल ही न रहे, वो अपने जनता की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट न कर सके और वो लोग इनके अंगूठे के नीचे रहे, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे मुल्क के लिए होगा, इसमें किसी का भला नहीं होगा। जी बिल्कुल। अजय जी ऐसा भी तो हो सकता है कि इससे सार्वजनिक सेवाओं में बाहर की प्रतिभाओं का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हो सकता है ये फैसला आगे चल के कुछ अच्छा परिणाम दे? मैडम मैंने आपसे क्या कहा कि मोदी जी जो कहेंगे देशभक्ति के नाम पर फिर ये देश को ठगेंगे, पूछ लीजिए। एक डायरी जब पकड़ी गई थी, ये जो कह रहे हैं करप्शन, मोदी जी का डायरी में 25 करोड़ रुपए लिखा था, उस केस को ही करा दिया। एक मिस वर्मा थी, विजय शर्मा कलेक्टर थे गुजरात में उस वक्त, उसकी जासूसी का कांड पूरे देश में चला था, पता नहीं उस मैटर को क्या करा दिया गया। हम ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक काम देश के हित और देश के हितार्थ, जनता के हितार्थ, भाइयों बहनों मित्रों 130 करोड़ देशवासियों, इनके नाम अगर योजना तो करे तो देश की जनता को समझ में आता है। लेकिन ये ठगने का काम सरकार की उपलब्धि बता दे, अपनी सरकार 4 साल की चलिए मुझे बैठे एक भी उपलब्धि बता दे कि ये उपलब्धि थी हमारी। अजय जी डॉक्टर राम सागर से हम जवाब लेंगे, हमारे साथ संसदीय विशेषज्ञ जुड़े हैं रामनारायण यादव जी। रामनारायण जी आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ पहुंच रही है जी।
रामनारायण जी, जो मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, यूपीएससी की परीक्षा पास किए बिना ही 10 लोगों को अब नौकरशाही में एक पद मिल जाएगा, एक बड़ा बदलाव है, इसका क्या कुछ फायदा होगा? देखिए मैडम, ऐसे है कि इस स्टेज पर वैसे तो एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति जी जो कुछ चाहे एक्शन ले सकते हैं, लेकिन रूल बना सकते हैं, ऑर्डर इशू कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 309 में साफ कहा हुआ है कि यूनियन और स्टेट की सर्विस होंगी और वो सर्विस होंगी जो स्टेट या यूनियन उसमें लॉ बनाएंगे, और जब तक लॉ नहीं बनाएंगे तो राष्ट्रपति जी या गवर्नर साहब अपने इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर इशू करके जारी कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो भरी जाएंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि हमारे पास सिविल सर्विसेज भी हैं, इंडियन लेवल की भी और स्टेट लेवल की भी, पोस्ट खाली हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है अपॉइंट करने के लिए, पीएससीज हैं, दूसरी सर्विसेज हैं, हर सर्विसेज में वैकेंसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉ है, एक्ट है, तो इस स्टेज पर ये बात सामने आनी कुछ ऐसा लगता है कि शायद जो जगह खाली है उनको भरने के लिए कोई ऐसा कदम उठाया गया हो कि कोई काम रुका हुआ है। लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि जब हमारे पास ये सारी चीजें हैं तो उसकी क्या जरूरत है। अच्छा, इससे हमें ब्यूरोक्रेसी में एक कॉन्फिडेंस भी ये दिखाई देगा कि कॉन्फिडेंस नहीं है ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि जैसे गवर्नर उसके सेंटर के नुमाइंदे होते हैं स्टेट में, इसी तरह आईएएस और आईपीएस भी ये सेंटर के नुमाइंदे हैं, और इनकी इतनी पावर है कि खुद पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हमें आईसीएस की सर्विस खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत पावरफुल लॉबी है, और तब हमारी आईएएस बनी थी। तो आईएएस के ऊपर कॉन्फिडेंस करना, जो सेंटर की ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वो हमें करना चाहिए। ये तो पार्टी पोजीशन तो आती रहती है जाती रहती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट तो पक्की है, स्टेट गवर्नमेंट तो पक्की है, उन्होंने इसी नौकरशाही से काम लेना है, वो काम भी कर रहे हैं, पोस्टें भी खाली हैं, तो ऐसे में ये जो कदम उठाया है ये तो देखने लायक है कि किस तरह उठाया। तो जी बिल्कुल, डॉक्टर रामसागर, एक बार को हम सारी बातें छोड़ देते हैं, घोटाले और ये सारी चर्चाएं किसी और दिशा में जा रही थी, वाकई मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिन लोगों की आप भर्ती करेंगे नौकरशाही में, ये भी तो हो सकता है कि ये लोग निष्पक्ष और तटस्थ ना रहे, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? हो सकता है सरकार की योजनाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जाए? नहीं मैडम, मैं बिंदुवार इसका जवाब देना चाहूंगा जी। उसमें कहीं से भी ये नहीं है कि उसमें एससी नहीं रहेंगे, एसटी नहीं रहेंगे, ओबीसी नहीं रहेंगे, वो सारे लोगों के लिए ये किया गया है। इसलिए जो वो एक कह रहे थे कि उसमें उसके लोगों को रोकने की बात है, उसमें तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, एक बात। दूसरी बात जो अभी आ रही थी, अगर ब्यूरोक्रेट्स के बीच कंपटीशन हो, चूंकि अभी 10 सीट के लिए ही किया जा रहा है ये, तो दोनों के बीच हेल्दी कंपटीशन हो कि हम अच्छा करें तो हम अच्छा करें, ये 10 वोट अच्छा करेंगे तो उससे दूसरे लोगों को भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी कि हम उससे अच्छा करें, तो दोनों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन का बात क्यों नहीं सोचते हैं लोग? पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना चाहिए, तो पॉजिटिव सोच क्यों नहीं बना रहे हैं ये कांग्रेस के लोग या जो विपक्ष के लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं? ये पहले से ही था, इस प्रस्ताव का विरोध और आशंका पहले से ही बरकरार थे, इसलिए इसको लागू होने में इतना समय लग गया है, तो वही उन आशंकाओं को ही क्लियर किया जा रहा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। और कुछ दिनों का इंतजार कर रहे हैं। रामसागर, एक बार सुन लेते हैं, हम वापस आपके पास आते हैं। जी सर। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको तीन चीजें मेरी तरफ से पूछ लीजिए, क्या मैं पूछता हूँ कि जब बताना, चार साल में इनको क्यों नहीं याद आई 14 से लेकर 18 के लास्ट में? नंबर एक। नंबर दो, मैं हिंदुस्तान के सिलेक्टेड 100 ऐसे बिजनेसमैन जो इनके टच और इनके डोंट टच से बिजनेस अपना ईमानदारी से हर स्टेट में कर रहे हैं, मैं देता हूँ उनमें से बनाए लोगों को छाट के, ये केवल उस 10 और 12 परिवारों में से इन लोगों को बनाएंगे। आप चेक कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, संसदीय हमारे विशेषज्ञ कह रहे थे वो उनकी बात ठीक है, और ये इस तरह से धोखा देते हैं। हमारी माताजी गुजरात में बैठी हैं, आज तक उनको प्रधानमंत्री आवास तक नहीं घूम पाया। सारे देश के लोग, आप भी मैडम लेडीज हैं, वर्ल्ड में अपनी वाइफ और बच्चों के साथ आते जाते हैं, घूमने जाते हैं, ये क्या करते हैं, अकेले घूमते हैं। जब तक मुख्यमंत्री रहे तब तक बीवी का नाम नहीं बताया, आज बताया, इससे बड़ा धोखा देश के साथ क्या हो सकता है? देश जिन पर कैसे विश्वास करें? इसीलिए इस मामले को हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं जो 100 नाम दूंगा उन पीयूसी के या उन कंपनियों के, उन बिजनेस क्लास के लोग जो ग्रोइंग कर रहे हैं हिंदुस्तान में, उनमें से बनाए
देखेंगे जनता कितना, ये सिलेक्टेड नाम तय कर लिए गए हैं 10 लोगों के और उनको ही मोहर लगा के ये बना देंगे, पूछ लीजिए। डॉक्टर रामसागर, संक्षेप में जवाब चाहेंगे। जो ये सवाल इनका जो सवाल था, मैं दोहराना, पहला सवाल इनका क्या था मैडम? 2014 से 2018 इतना लंबा समय क्यों लग गया इसे लागू? लंबा समय क्यों? आप उनको कहिए कि ये मेरा अंतिम नहीं है, 18 हो गया तो मेरा फिर 19 से लेकर के 24 तक भी मेरा ही रहेगा, ये मेरा कोई अंतिम साल नहीं है। वो बात इस बात को वो ध्यान में रखें। फिर से अपार अजय बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आ रही है, इसलिए कोई मेरा ये अंतिम साल का नहीं निर्णय है, ये आगे भी हमारी ही सरकार रहेगी, आगे भी यही सरकार काम करेगी। जो बात है, अगर ये कह रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के दर्द को की बात कर रहे हैं, मैं ओबीसी कमीशन, पिछड़ा वर्ग का कमीशन का डिमांड होता था और उसको संवैधानिक दर्जा देने का डिमांड करते थे, जब ये विपक्ष में जब ये पक्ष में थे तब सारे लोग ये कर, अब जब उसको हम संवैधानिक दर्जा देने का काम कर रहे हैं तो लोकसभा से तो हमने पारित करवा लिया उसको, लेकिन संवैधानिक दर्जा ओबीसी आयोग को नहीं मिले, ये लोग राज्यसभा में उसको रोक दिए। ओबीसी ओबीसी मोदी जी चिल्लाते हैं, ओबीसी कैसे ओबीसी के हिसाब कोई काम नहीं करते, मैं भी ओबीसी हूँ देश में, मैं सरकार को अच्छी काम करके आते हूँ और ओबीसी के कोऑर्डिनेटर भी हूँ। 4 करोड़ लोगों के घर में धुआं से जो माँ पहले हमारी ओबीसी तो हमारी माता जी है, का मरीज होती थी 15 साल से उन्होंने 4 करोड़ उनका नाम तक साफ नहीं करा, सिलेंडर लेकर के 4 करोड़ लोगों को हमने बचाया, अब जो है प्रधानमंत्री हाउस चोले लेके 50 करोड़ लोगों को हम देने जा रहे हैं हेल्थ बीमा। आप नहीं काम कर रहे थे, आप 50 पॉलिसी बनाते थे, लेकिन पॉलिसी पर नहीं से सुखी सरकार थी आपकी। रामसागर, अजय जी, डॉक्टर रामसागर, जो भी कदम अभी सरकार ने उठाया है, उम्मीद तो यही करते हैं कि आगे वो सकारात्मक ही कदम लगे और सकारात्मक दिशा में ही उन्होंने ये कदम उठाया हो। फिलहाल आप तो सभी तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार ने नौकरशाही में एक बड़ा बदलाव तो जरूर कर दिया है, लेकिन इस बदलाव के साथ ही विपक्षी फिर से एकजुट होकर अब सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। अब उनका ये बदलाव आगे क्या कुछ गुल खिलाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।